नीचे का व्यू आप देख सकते हो, गुरुद्वारा साहब दिखाई दे रहा है। यहाँ से हम थोड़ी सी अभी दूर चले हैं, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है अभी से, हम देख सकते हो हमारे चेहरे से आपको नज़र आ ही रहा होगा, इतनी ज़्यादा गर्मी है। और क्योंकि जोर काफ़ी लगाना पड़ रहा है, हाइट पे है बहुत ज़्यादा, और जो सीढ़ियाँ हैं बिल्कुल स्ट्रेट हैं, बिल्कुल हाइट पे सीढ़ियाँ हैं, तो इन अ वन स्लॉट वी कैन नॉट गो देयर। सो हमें बीच बीच में स्टे करना पड़ेगा, वी हैव टू वेट, वी हैव टू टेक सम रेस्ट इन बिटवीन, देन वी कैन गो देयर दैट, अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाएगा। रेस्ट करना पड़ेगा 5 मिनट पे यहाँ पर। क्या बात है, और कितनी ऊपर रह गया? अभी 50% रह गया ऊपर। 50% और? अरे यार, हमारा तो बुरा हाल हो गया अभी। रास्ता और आगे। सही भाई साहब बता रहे हैं कि अभी ठीक है भाई, जल्दी से और कवर कर। अभी तो बोल रहे हैं कि 50% रास्ता हमने कवर नहीं किया, सो स्टिल वी हैव टू वेट टू रीच देयर। हमें काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी पहुँचने के लिए। अभी तो बहुत दूर है, बाकी इधर का व्यू शानदार व्यू। ये देखिए, इधर से एक नदी आ रही है पहाड़ों के बीच से, और ये नदी कौन सी है हमें नहीं पता, भूरेशा। और नीचे का व्यू देखिए, पौंटा साहिब जो दिख रहा है यहाँ से, और इस साइड नदी है, पहाड़ है। व्यू आपको दिखा देता हूँ, स्टिल हमें आगे जाना है ऊपर की तरफ, बहुत ज़्यादा हाइट है, आप देख सकते हो। इधर का व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा है, पता नहीं कैमरे में प्रॉपर कैद हो रहा है या नहीं, बट द व्यू विच वी आर लुकिंग हेयर फ्रॉम हेयर दैट इज़ वेरी वंडरफुल, बहुत ही शानदार व्यू है। ये देखिए, पीछे का व्यू आपको दिखा चुके हैं, आगे अभी हमें बहुत ऊपर जाना है, काफ़ी हाइट पे हमने जाना है ऊपर। आप पब्लिक देख सकते हो, पब्लिक बहुत ज़्यादा आ रही है आज, पब्लिक बहुत ज़्यादा आ रही है आज, गर्मी इतनी ज़्यादा है, पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा, काफ़ी चढ़ाई हमें चढ़नी। स्टेप बाय स्टेप वी आर मूविंग, स्टेप बाय स्टेप वी आर गोइंग। हाइट बहुत ज़्यादा है, इसलिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। काफ़ी पब्लिक यहाँ आई हुई है, सो पीपल आर इन्जॉइंग देयर फोटोशूट हेयर, यू कैन सी। रास्ता काफ़ी टफ है, ट्रिकी रास्ता है, और ऊपर चढ़ने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा हाइट पे है। सांस पूरी तरह से हमारी फूल चुकी है। अरे अभी कितना ऊपर जाना है, ये देखिए इधर से हम आए हैं, सो द वे इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वी टेक सम रेस्ट हेयर फॉर अराउंड 5-10 मिनट्स, नाउ वी हैव स्टार्टेड अगेन। Just we are moving up. Oh, क्या बात है, क्या शानदार ट्रैक है, पहुंच गए जी बस।
वाह, ट्रैक काफ़ी अच्छा है। ये देखिए कितना बड़ा पत्थर। वीडियो बनाते हैं आप, बना लो जी जाते हुए। वाह क्या शानदार ट्रैक है, यहाँ से पौंटा साहिब का व्यू ऐसा दिखता है। हमारी सांस बिल्कुल फूल चुकी है। आई थिंक आज कुछ स्पेशल डे है बिकॉज पब्लिक काफ़ी आई हुई है आज यहाँ पे, सो आई थिंक सो कि टुडे सम स्पेशल डे, सो दैट दैट्स वे देयर इज अ लॉट ऑफ मूवमेंट टुडे, लॉट ऑफ पब्लिक कमिंग एंड गोइंग। रिंदर जी ने अपना कैमरा नहीं उठाया आज, गाड़ी नहीं छोड़ दी है आज, वो अपने आईफोन से शूट कर रहे हैं। हालत खराब हो गई आज, काफी हाइट है। क्या ब्यूटीफुल व्यू है, यहाँ से देख सकते हैं आप व्यू, पूरे पौंटा साहब का व्यू यहाँ से पूरा दिख रहा है। ये गुरुद्वारा साहब आप देख सकते हो। वाह दोस्तों ये देखिए आप, यमुना नदी, क्या शानदार व्यू है यहाँ से। और हम नज़दीक पहुंच गए हैं, बिल्कुल ही पास, जस्ट कुछ ही देर बाद हम पहुंचने वाले हैं। थोड़ा सा शानदार व्यू नज़र आ रहे हैं यहाँ से, चलिए हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हम पहुंचने वाले हैं। थोड़ी सी दूर रह चुके हैं बस, जस्ट फ्यू स्टेप अवे, वी आर जस्ट फ्यू स्टेप अवे, वी आर गोइंग टू रीच सून, ऑलमोस्ट वी हैव कम्प्लीटेड। बिल्कुल पास हम पहुंच चुके हैं, चलने की हिम्मत नहीं रही। दोस्तों भूरे शाह पीर बाबा की दरगाह पे हम पहुंच चुके हैं, पीछे आप देख सकते हैं बस कुछ स्टेप ही दूर बचे हैं, हम पहुंचने वाले हैं, जस्ट फ्यू स्टेप अवे वी आर गोइंग टू रीच। और ट्रैक काफ़ी लंबा था, काफ़ी बड़ा था और बिल्कुल स्ट्रेट हाइट है इस ट्रैक की। हाँ कुछ आज गर्मी ज़्यादा है, आज हॉटी डे है और जो सीढ़ियाँ हैं बिल्कुल एकदम से स्ट्रेट हैं, सो काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, काफ़ी ज़ोर लगा और पसीने से बिल्कुल लथपथ हो गए हम, हमारी फेस से आप देख सकते हो लथपथ हमारी क्या हालत हो गई है। सो बट फाइनली वी हैव कम्प्लीटेड द ट्रैक, वी रीच टू भूरे शाह दरगाह। सो अभी हम दर्शन करते हैं वहाँ जाके, अंदर का आपको जाके दिखाते हैं, वीडियो में आप बने रहिए।